रिकॉर्डिंग स्टार्टेड एंड फिर से एक बार क्रिएट प्रोजेक्ट सेलेक्ट द कंसोल एप्लीकेशन देन गो देन सेलेक्ट द सी एंड नेक्स्ट एंड हमारे प्रोजेक्ट का नाम. तो आज हम पढ़ने वाले डेटा टाइप्स एक्चुअली पढ़ चुके हैं बट उसका नेक्स्ट सिनेरियो मतलब वेरिएबल्स को और हम करेंगे, हम ऑपरेटर्स पढ़ेंगे आज. ओके और फिर यूजर्स से वैल्यूज कैसे लेना वो सारी चीज़ें आज हम देखेंगे. मतलब स्कैनर क्लासेस स्कैनर की तरफ जाएंगे, स्कैनएफ की तरफ जाएंगे. ओके तो चलो देखते हैं प्रोजेक्ट का नाम ले लेते हैं. सेकेंड है, सेकेंड तो हो चुका है ना, तो सेकेंड भी हो गया फर्स्ट भी हो गया तो ले लेते हैं माई प्रो. आप कोई भी नाम दे सकते हैं आपके ऊपर है. माई प्रो दे दिया, ये यहाँ पे सेव होगा, ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ. तो नेक्स्ट सिंपली कंपाइलर आपके इसमें सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, मेरे इसमें सेलेक्ट करना पड़ता है. सो जे नी जिस कंपाइलर एंड फिनिश. सो वी क्रिएट अ फ्रेश प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट यहाँ पे दिखता है दैन मेन एंड यू कैन सी दिस इज द प्रोजेक्ट. ओके तो चलो वेरिएबल बनाते हैं. वेरिएबल बनाने के लिए सिंटेक्स है, सबसे पहले डेटा टाइप आएगा. तो आपका डेटा टाइप कुछ भी हो सकता है, इंट फ्लोट हो सकता है, इंट फ्लोट डबल या फिर शॉर्ट या इंट हो सकता है. नेक्स्ट यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, तो सपोज उसमें डाल दिया 10, कॉमा बी एक वेरिएबल बना रहा हूँ उसके अंदर डाल दिया 20. तो ऐसे करके मैंने कितने वेरिएबल बनाए, दो वेरिएबल बनाना. मतलब क्या करना, दो वैल्यूज, दो मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाइड करना और उसमें डेटा डालना. अब इस चीज़ को प्रिंट करना है तो हम कैसे करेंगे, परसेंट डी. ओके तो यहाँ पे ये फॉरवर्ड स्पेसिफायर आ रहे हैं परसेंट डी एंड कॉमा ए कॉमा बी. तो हमने दो वेरिएबल्स को हमने क्या किया, गेट किया और प्रिंट किया. चलो जाके चेक करता है. एंड नाउ फाइनली आफ्टर डे 5 हम फर्स्ट डे पे चल रहे हैं, दैट इज नथिंग बट डे 1. तो आज हम डे 1 को स्टार्ट कर रहे हैं. अभी तो जो 5 दिन का हुआ था वो सब सिर्फ और सिर्फ वार्म अप था, मतलब जिससे हम सिर्फ स्टार्ट किए और आज हम डे 1 पे स्टार्ट हो रहे हैं. दैट इज सी नोट्स, यू कैन सी सी नोट्स. ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, असाइनमेंट्स आज से स्टार्ट होंगे. हम डे 1 ओपन करें तो देर आर 7 डेज. ओके डे 1 को अभी तक हमने टच तक नहीं किया. ओके हाँ थेरी वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, तो वो चीज़ें मैं स्किप करूँगा और डायरेक्टली हम ऑपरेटर्स पे चलेंगे. सो हिस्ट्री वगैरह ये चीज़ें आप देख लें, अभी वो सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ, ये भी सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, ये PPTs में देखे हमने. एंड वेरिएबल्स वगैरह ये सारा डेटा टाइप्स वगैरह रूल्स रेगुलेशन. ओके या डेटा टाइप्स ओके प्रीमियर ये अभी फिलहाल आपके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आप स्किप कर सकते हो. हाँ एज अ थेरी आपको अगर पढ़ना है तो पढ़ लो, बाद में आपको सी चीज़ें समझ में आ जाएंगी. एंड डायरेक्टली चलते हैं नीचे है प्री प्रोसेसर. ये मैंने बताया इतने सारे प्री प्रोसेसर है, बट अभी फिलहाल के केस में आप एक ही प्री प्रोसेसर को याद रखो, हैश इंक्लूड. इतनी सारी लाइब्रेरीज है उसमें से पहले सिर्फ किसी भी लाइब्रेरी पे फोकस करो, दैट इज stdio.h. थोड़ी थोड़ी करके आगे में आते जाएंगे, सो डोंट वरी. थेरी पढ़ के रख दो, कोई इशू नहीं है. स्ट्रक्चर ऑफ सी ये मैंने बता दिया था, कंसीडर क्या क्या है. या ऑपरेटर्स आज पढ़ेंगे हम, आज के इसमें ऑपरेटर पढ़ेंगे. ऑपरेटर से पहले मैं उस दिन जो मैंने एक टॉपिक बोला था दैट इज कॉल्ड एज आइडेंटिफायर्स, किसी ने सर्च किया व्हाट इज आइडेंटिफायर्स एंड व्हाट इज द रूल ऑफ आइडेंटिफायर्स. किसी को पता है व्हाट इज द रूल ऑफ आइडेंटिफायर, ये भी थोड़ा सा थ्योरी है. सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू, अगर आपको पहले से आइडेंटिफायर्स पता है सभी को, अगर देखो मोस्ट ऑफ लोगों को पता होंगे तो मैं आइडेंटिफायर्स के रूल को मेंशन ना करते हुए आगे बढ़ सकता हूँ. सो प्लीज कंफर्म करो, बताना चाहिए व्हाट इज आइडेंटिफायर एंड व्हाट इज द रूल ऑफ आइडेंटिफायर. या वॉइस आ रही है क्या? या गाइस कैन यू हियर मी, एम आई ऑडिबल? ओके सो व्हाट इज आइडेंटिफायर. ओके नहीं पता, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके ठीक है, कोई इशू नहीं है, मैं बता देता हूँ. देखो सिंपल है, सिंपल सा थिंग है. अगर आपके घर में आपके किचन में बहुत सारे डिब्बे होते हैं ना, बहुत सारे डिब्बे होते हैं, है ना, जैसे हमारे वेरिएबल्स भी है, तो यहाँ पे देखो दो वेरिएबल्स बनाए. वैसे ही आपके किचन में मम्मी की जब ना किचन में बहुत सारे क्या होते हैं, डिब्बे होते हैं, इस बहुत सारे डिब्बों में बहुत सारा अलग अलग मटेरियल या फिर डेटा मम्मी रखती है. अब अगर मम्मी ने बोला जाओ यार हाइड एंड सीक का पैकेट रखा है, हाइड एंड सीक जो बिस्किट है उसका पैकेट रखा है डिब्बे में, तो जाओ लेके आओ अपन खाएंगे करके, तो आपने मम्मी ने बोला तो आप बोले हाँ मम्मी ठीक है खाएंगे चलो, तो मम्मी बोली कि जा डब्बे में से लेके आ जा, तो आप गए किचन में और पता चला कि किचन में इतने सारे डब्बे कि आपको पता ही नहीं है कि किस डब्बे में मम्मी ने वो चीज़ रखा है, वो आइटम रखा है. तो आपने उसको क्या पूछा, मम्मी को, अपनी जो मम्मी है आई है उसको क्या पूछा,
कुठे ठेवला आहे, मतलब कहा रखा आहे. तर मम्मीने बोलले डिब्बे में रखा आहे, डिब्बे में देख ले, डिब्बे में देख ले. तर आपने बोले अरे इतने सारे डिब्बे है, तो एक्झॅक्टली बता दो कौन से डिब्बे में रखा है. तो मम्मी ने बोली वो रेड कलर का डिब्बा है ना, उसमें से निकाल ले. तो आपने बोले अच्छा वो रेड कलर का डिब्बा, अच्छा ठीक है. अरे मम्मी यहाँ पे तो दो रेड कलर के डिब्बे है, कौन सा वाला. तो बेटा दूसरा वाला. तो ये जब सारा कुछ मम्मी ने बताया वो क्या किस लिए था, आइडेंटिफिकेशन के लिए था, जिससे आप एग्जैक्टली चीज़ों को समझ सको, एग्जैक्टली एक्चुअल चीज़ तक पहुँच सको. सेम चीज़ होता है यहाँ पे मेमोरी होती है ना. मेमोरी में क्या होता है कि बहुत सारी फ्री प्रोसेस स्पेस होती है, और वो फ्री स्पेसेस के ऊपर लोकेशन होता है. वो लोकेशन को याद करना पॉसिबल नहीं होता. उस चीज़ के लिए हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे नेम देते हैं. नेमिंग कन्वेंशन कॉल्ड एज आइडेंटिफायर्स. जब भी आप कुछ वेरिएबल को नेम दे रहे हो, फंक्शन को नेम दे रहे हो, किसी भी चीज़ को नाम देना, मतलब क्यों नाम देते हैं, आइडेंटिफिकेशन के लिए. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं भी एक ह्यूमन हूँ, आप लोग सभी ह्यूमन हो. तो अगर आप देखोगे आपके पार्टिसिपेंट्स में, तो इतने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, और मोस्ट ऑफ सभी का नाम सेम नहीं है. बहुत रेयर केसेस में आपको सेम देखने को मिलेगा, बिकॉज देर इज अ सरनेम. अब सरनेम क्यों आया, इसी के लिए कि मोस्ट ऑफ एकदम सिमिलैरिटी ना आ जाए. दैट्स व्हाई हमने ये चीज़ की. और ये जो नेम है इसी को क्या बोला जाता है, आइडेंटिफायर. आइडेंटिफाई करने के लिए जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं, शब्द यूज किए जाते हैं, उसी को बोला जाता है आइडेंटिफायर. अब ये जो आइडेंटिफायर है ना, इनके अगर रूल्स समझना है तो बहुत सिंपल वे है. सिंपल वे में आप इनके रूल्स समझ सकते हो. ये पूरे के पूरे नेम देना मतलब आइडेंटिफायर. ग्रेट यार, एक सीधे सही में, ठीक है, एकदम सीधे बात. नेम देना मतलब, पर नेम देना भी ना एक छोटा सा टास्क नहीं, इजी टास्क नहीं है. उसके लिए भी रूल्स है, इस चीज़ को भी नाम देने के लिए भी रूल्स. सर सच्ची में? हाँ, नॉर्मल लाइफ में उसमें रूल है. अच्छा ओके, तो चलो देखो इस सिचुएशन को समझने के लिए सिंपल सा मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको. कि सपोज मेरे घर में, ऐसा अज्यूम करो कि मेरे घर में एक छोटा सा नसा बेबी हुआ है, बेबी है ना, बेबी बॉय बेबी गर्ल ऐसा हुआ है. मैंने आपको बोला कि यार सजेस्ट करो यार, उसको कुछ नाम देना था तो थोड़ा सजेस्ट करो यूनिक सा नाम. आजकल तो ट्रेंड चल रहा है कि यार नाम होना चाहिए तो यूनिक. तो आप कैसे सजेस्ट करोगे, क्या क्वेश्चन पूछोगे, क्या क्वेश्चन रहेगा. सेम रूल है जो आप ये जो चीज़ें करोगे ना, वही सेम रूल आइडेंटिफायर्स के रूल है. 101% कोई भी चेंज नहीं, कुछ भी चेंज नहीं, वही रूल है. बस हम लोग डिफरेंस करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल के. सो व्हाट इज द रूल ऑफ गिविंग नेम टू एनी बेबी, क्या लगेगा, सबसे पहले क्या पूछोगे मेरे को. हाँ अच्छा ठीक है, एकदम इसमें चले गए, जेंडर छोड़ दो. चलो ठीक है, सपोज करो कि बॉय है, उसके ऊपर चलो. ये वाला चीज नहीं हो पाएगा टेक्निकल में, इसलिए बॉय और गर्ल को छोड़ दो, उसके बाद बोलो. बॉय है कंसिडर कर लो. रैंडम जनरेट नेम, ठीक है ना, आपको सजेस्ट करना है. रैंडम जनरेटर वाला छोड़ दो ना. कॉम्बिनेशन, मम्मी पापा का नाम का कॉम्बिनेशन. स्टार्ट वर्ड, पूरा इथिक वाले लोग हो, कह रहे हो तुम लोग. अल्फाबेट, कुंडली, अरे बापरी अभी अलग ही लेवल में जा रहे थे. रुक जा तुम लोग, रुक जा. मैं सॉरी मेरा गलत हो गया. मैं करवा देता हूँ. ओके, सबसे पहला रूल रहेगा कि भाई ऐसा नेम होना चाहिए जो कॉमन ना हो और वो फिर से रिपीट ना हो उस सेम घर में. सबसे पहला रूल यही होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर पप्पा का नाम क्या है, समीर है, सब अभी मेरे को दिख रहा है एक वर्ड समीर. तो अगर पप्पा का वर्ड समीर है तो वो बेटे का नाम समीर नहीं हो सकता. ऐसा क्यों, तो खुद सोचो कि ऐसा क्यों. बिकॉज कन्फ्यूजन, राइट. मतलब छोटे वाले समीर को बुला रहे हैं या बड़े वाले समीर को बुला रहे हैं. ए साले समीर इधर आ, तो उसमें दोनों फंस गए कि भाई किसको बोल रहे हैं, मतलब उसके पर करते. ठीक है छोड़ दो. तो ये समझ गए आपको, तो सेम घर में दो नाम के बंदे नहीं रह सकते. तो ये याद रखना कि सेम नेम के दो नहीं रह सकते. सेकेंड, अगर आपको, यस हिमांशु, हाँ वैष्णवी ने सही बोला, मैं वही बोलने वाला था, मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा. ओके नेक्स्ट. अगर वो बंदा पहले से, मतलब वो नहीं होगा. नेक्स्ट चीज, अगर वो पहले से ही है, फॉर एग्जांपल अगर उनका किसी का नाम सरनेम हो सकता है क्या, सरनेम हो सकता है. बिकॉज सपोज ए खान इधर आ, या फिर ए बोबड़े, जैसे मेरा सरनेम बोबड़े, तो मेरे घर में किसी का बच्चा होगा तो क्या उसको बोबड़े बोलेंगे क्या, ए बोबड़े इसका नाम रख दिया बोबड़े, हो सकता है बच्चे का सरनेम एज अ नेम, नहीं हो सकता है ना, नहीं हो सकता. हाँ करेक्ट बात है. तो सेम चीज देखो, दो रूल हमने समझ लिए. पहला कि सेम नहीं चलेगा, मतलब अगर आपने ए बना चुके हो तो फिर से रिपीट नहीं हो सकता.
मतलब एक घर में पहले से, बिकॉज देखो मैंने बताया था ना मेन एक घर है, ये क्यूब वाला था रिलेशन, यू कैन सी, ये देखो कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज, दैट्स व्हाई, है ना। नेक्स्ट मतलब सेम नेम के नहीं हो सकते। दूसरा रूल ये है कि अगर पहले से वो चीज़ अवेलेबल है, मतलब सरनेम पहले से अवेलेबल है, तो वो चीज़ आप यूज़ नहीं कर सकते। सर मतलब इसका कैसे रिलेशन, जैसे कीवर्ड्स, जो पहले से कीवर्ड्स है उसको एज अ वेरिएबल नेम आप यूज़ नहीं कर सकते। सर मतलब थोड़ा बताओगे, समझाओगे। फॉर एग्जांपल इंट करके पहले से है तो आप इंट करके वेरिएबल का नाम नहीं दे सकते, या फिर फ्लोट है तो आप फ्लोट करके नहीं दे सकते, बिकॉज ये जो फ्लोट वर्ड्स है इनका कुछ मीनिंग है। वैसे बोबड़े जो सरनेम हो गया, या फिर खान जो सरनेम हो गया, है ना, शर्मा वर्मा, तो इन ऐसे नाम नहीं रहेंगे बच्चे के। तो सेम चीज़ जैसे पहले से प्री डिफाइंड कीवर्ड्स है, वर्ड्स है, तो उनको एज अ वेरिएबल नेम आप नहीं ले सकते। ओके ग्रेट, नेक्स्ट रूल। तो ये दो रूल समझ गए कि आप सेम नेम के दो वेरिएबल नहीं बना सकते, दूसरा कि आप जो पहले से प्री डिफाइंड है उसको फिर से नहीं यूज कर सकते हो, मतलब प्रिंटफ को भी यूज नहीं कर सकते हो, रिटर्न ऐसे वर्ड्स यूज नहीं कर सकते जो पहले से, मतलब 32 कीवर्ड्स जो पहले से सी में अवेलेबल है उन चीजों का आप रिपीट नहीं कर सकते हो एज अ वेरिएबल नेम। नेक्स्ट थर्ड रूल की यहाँ पे अगर आपके एक से ज्यादा नाम है तो आप स्पेसेस इंक्लूड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे लिखना है माई नंबर, तो मुझे लिखना तो है मेरे वेरिएबल का नाम माई नंबर, पर यहाँ पे एक स्पेस आ गई जो कि आप इंक्लूड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल इसको भी एज अ नॉर्मल लाइफ के साथ रिलेट करो, फॉर एग्जाम्पल नील, नील, नितिन, मुकेश, या फिर राकेश, रोशन। अब ये जो वर्ड्स है, ये जो नाम है, ये एक पर्सन के है कि तीन पर्सन के, नील, नितिन, मुकेश, तीन लोग है कि एक ही बंदा है वो, नील, नितिन, मुकेश, सिंगल पर्सन और थ्री पर्सन, एक ही पर्सन है, पर उसको नाम कितने, नील, नितिन, मुकेश। तो वो लिखने के वक्त ऐसा लिखता होगा क्या, नील देन स्पेस नितिन देन स्पेस मुकेश देन स्पेस देन पप्पा का नाम देन स्पेस, ऐसा नहीं करेगा वो, नील, नितिन, मुकेश एक ही साथ लिखेगा, राइट। वो एक साथ में क्यों लिखेगा, बिकॉज वो एक वर्ड है उसके लिए, भले ही वो हम पढ़ने के वक्त नील, नितिन, मुकेश पढ़ रहे, बट दैट इज अ सिंगल नेम। तो यहाँ पे भी स्पेस नहीं चलेगा, आप स्पेस इंक्लूड नहीं कर सकते, दैट इज इनलीगल। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा माय नंबर, बट सर उसमें तो पढ़ने में नहीं आ रहा है ना, तो आप क्या कर सकते हो, उसको कैमल केसिंग में यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो, कैमल केसिंग। सर ये अब कैमल केसिंग क्या है, नए नए टर्म सुनने को आ रहे हैं। कैमल केसिंग का मीनिंग होता है ऊंट की पीठ के तरह अगर थोड़ा सा एक कर्वी नेचर आपको दिखता है, दैट्स कॉल्ड एज अ कैमल केसिंग, ठीक है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ज्यादा फेमस है, अगर आप जावा करोगे या फिर कोई भी, तो यहाँ पे सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको ना इस तरीके के वर्ड दिखेंगे। देखो माय, देन यू कैन सी, देखो कैमल केसिंग के जैसा हो रहा है, ऊंट की पीठ की तरह, सो दैट इज नथिंग बट अ कॉल्ड एज कैमल केसिंग, ऊंट की पीठ की तरह ऊपर उठ के आना, दैट इज कॉल्ड एज कैमल केसिंग, ठीक है। कैपिटल लेटर, हाँ बीच में आप कैपिटल लेटर आप असाइन कर सकते हो, सो दैट इज कॉल्ड एज कैमल केसिंग। सर ये ऐसा क्यों यूज किया जाता है, बिकॉज अगर मैं कोई बड़े वर्ड लिख दूँ ना, अब तो ये माय नंबर था तो चलो ठीक था, छोटा सा ही था, बट अगर मैं क्या करूँ, मैं बड़ा जात कोई वर्ड लिख दूँ ना, तो आप जैसे माय नंबर तो समझ में आ गया, बट मेरे को कुछ और लिखना है तो आपने वो समझ में नहीं आएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये कुछ वर्ड लिख दिया और ये चीज आपको पढ़ने में नहीं आएंगे, बिकॉज ये मैंने बहुत सारे वर्ड लिखे, तो इस चीज को नॉर्मली पढ़ने के लिए आपको क्या होना चाहिए, इट शुड बी कैपिटलाइज, तो उससे क्या होगा, आपको पढ़ने में आ जाएगा। एंड यू कैन सी नाउ यू कैन रीडेबल, तो रीडेबिलिटी आने के लिए उन्होंने इस कैमल केसिंग को इंट्रोड्यूस कराया, दैट इज यू कैन सी, अरे यार क्या बोलूं मैं, तो ये पूरा वर्ड तभी समझ में आएगा जब मैं उसको क्या करूं, कैपिटलाइज कर दूं, तो उसकी वजह से रीडेबिलिटी आती है, बिकॉज एक से ज्यादा वर्ड अगर आपको यूज करना है तो आपको कैमल केसिंग आपको यूज करना पड़ेगा, बिकॉज आप स्पेसेस इंक्लूड नहीं कर सकते, दैट्स वाई वी यूज द कैमल केसिंग मैकेनिज्म। सो यू कैन सी माई नंबर चलेगा, बट एन कैपिटल कर दो। हाँ सर छोटा रखा तो कुछ होगा क्या, कोई आएगा मारने, नहीं कोई मारने तो नहीं आएगा, बट रीडेबिलिटी कम हो जाएगी, बट या यू कैन राइट इट लाइक अ दिस माय नंबर, तो वो समझने में भी आएगा, अगला वाला पर्सन उसको यूज भी कर पाएगा, उसको भी समझेगा। सो यू कैन सी, तो आप क्या कर सकते हो, वर्ड भी एज अ वेरिएबल नेम ले सकते हो, खुद का नाम भी लिख सकते हो, कोई यूज कोई ऑप्शन मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड यू कैन सी आप इस तरीके से भी आप कर सकते हो, तो दिस इज ऑल्सो द आइडेंटिफायर रूल्स, तो याद रखना। हाँ 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 बिल्कुल ओके। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज, हम कभी किसी मतलब किसी के बच्चे के नेम के लिए स्पेशल सिंबल्स यूज कर सकते हैं क्या, जैसे फॉर एग्जांपल किसी बंदे का नाम है, जैसे यहाँ से मैं पढ़ लेता हूँ किसी बंदे का या बंदी का नाम, सपोज
अंकित, तो अंकित एट द रेट खापरे ऐसा करके आएगा क्या उसका, है ना? ये चलो इंस्टाग्राम वगैरह पे ठीक लगता है, बट क्या रियल लाइफ में ऐसा रहेगा क्या? एट द रेट अंकित डॉलर हैशटैग अंकित ऐसा आएगा क्या? नहीं, रियल लाइफ में ऐसा चीज नहीं आएगी। सेम चीज है कि वो यहाँ पे भी नहीं आएगी, मतलब स्पेशल सिंबल्स वैलिड नहीं है एज अ नेम। एज अ नेम आप क्या नहीं कर सकते हो, सेमी कोलन, या तो मतलब स्पेशल सिंबल्स आप नहीं यूज कर सकते हो, बस एक छोड़ के। थोड़ा सा प्रोग्रामिंग है तो थोड़ा तो चेंज होगा, तो आप एक ही स्पेशल सिंबल यूज कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज अंडरस्कोर। इकलौता एक, ये नीचे का डंडू नहीं है क्या, ये नीचे का डंडू ऐसा सोया हुआ डंडू यूज कर सकते हो, तो इकलौता एक यही स्पेशल सिंबल है जो आप इंक्लूड कर सकते हो, आज अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। जो लोग टेक्निकल है यहाँ पे, जिन्होंने पढ़ी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उन लोगों के लिए क्वेश्चन है, क्या मैं अंडरस्कोर आगे यूज कर सकता हूँ या पीछे यूज कर सकता हूँ वर्ड कंप्लीट होने पे, या नहीं कर सकता? क्वेश्चन ये है। आगे यूज कर सकता हूँ, बीच में यूज कर सकता हूँ, पीछे, आगे वाले क्या है, आगे कर सकता हूँ, मोस्ट ऑफ लोग नो बोल रहे, कोई यस वाला? सी पढ़ रहे अंकित, सी पढ़ रहे, बोल रहे हो क्या? सी पढ़ रहे, बिटवीन हो सकता है, आगे नहीं हो सकता? अरे भाई जेम्स करेक्ट है, जेम्स बोल रहा है कि आगे भी हो सकता है, मिडल भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। मैंने बोल दिया ना कि अंडरस्कोर जो कीवर्ड है वो सभी इधर आप यूज कर सकते हो, फ्रंट, बिटवीन, आफ्टर, कहीं पे भी आप यूज कर सकते हो। यू कैन सी, मैं कंपाइल करके दिखाता हूँ। क्या बोले, मैं भी बोला हाँ तो ठीक है ना, मैं ऐसा ऐसा मन पे मत लो रे, टेंशन मत लो। हाँ आपने भी बोला, आप भी सही हो ऋषभ, आप कहीं पे भी अंडरस्कोर को यूज कर सकते हैं, नो इश्यू। अब वो जो एरर आ रहा था वो इधर के लिए था, बिकॉज हमने नेम चेंज कर दिया था, उसी को यूज करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट रूल याद करो। नेक्स्ट है, सपोज अगर एक बंदा है और उसी का नाम फिर से मुझे रिपीट करना है, फॉर एग्जाम्पल एकदम किंग के परिवार में चलते हैं, तो किंग के परिवार में, किंग या फिर क्वीन के परिवार में सेम नेम को रिपीट करना मतलब पदवी देना जैसा होता है ना, कि उसको एक क्या कर रहे हैं, पर एक पदवी दे रहे, एक उसको कहते हैं रॉयल्टी दे रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल एलिजाबेथ है ना, एलिजाबेथ एक पदवी जैसा भी होता है, तो कैसा होता है, एलिजाबेथ द फर्स्ट, तो फर्स्ट चाइल्ड जो होता है उसको बोला जाता है एलिजाबेथ द फर्स्ट। सेकेंड चाइल्ड अगर हो गया तो उसको बोला जाता है एलिजाबेथ द सेकेंड। थर्ड मतलब ऐसा जनरेशन में बोल रहा हूँ, ऐसा बाजू वाला भी नहीं, जनरेशन वाइज, सो दैट इज कॉल्ड एज एलिजाबेथ द फर्स्ट, एलिजाबेथ द सेकेंड, है ना, किंग ऑथर फर्स्ट, किंग ऑथर सेकेंड, एलेक्जेंडर द फर्स्ट, एलेक्जेंडर द सेकेंड। अब यहाँ पे जितना भी कुछ बोल रहा हूँ इसमें नंबर का जो बोलने का तरीका है, लेजा है, वो पीछे में आता है, मतलब जो भी नंबर आएगा वो पीछे में चलेगा। नंबर वन, ए वन, बी वन, सी वन, ये सारा कुछ कहाँ पे चलेगा, पीछे में चलेगा, है ना। तो दैट इज ऑल इज आफ्टर द नंबर, आफ्टर द वर्ड, मतलब नंबर जो है वो पीछे चलते, पहले नहीं चलते। फर्स्ट द एलिजाबेथ ऐसा नहीं चलता, फर्स्ट द एलेक्जेंडर ऐसा नहीं चलता, या सेकंड द एलेक्जेंडर ऐसा नहीं चलता। तो नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री ऐसा चलेगा, मतलब जो नंबर से वो पीछे अलाउड है, आगे नहीं। सर आगे लगा दिया तो इट्स शुड बी एरर, देखो कलर चेंज हो गया, आप नंबर्स आगे नहीं लगा सकते, पीछे लगा सकते हो। सो दोज आर सम रूल्स यू हैव टू फॉलो। कौन से रूल बताए, कौन रिपीट करेगा? हमने यहाँ पे आज के पहले वाले सेशन में हमने आइडेंटिफायर्स के रूल समझे, तो कौन कौन बताएगा? पहला रूल क्या था, फर्स्ट रूल, आप अल्फाबेट यूज कर सकते हो, नंबर एज अ नंबर यूज नहीं कर सकते, सबसे पहली बात, किसी भी बंदे का। हाँ मिडल चलेगा, कोई इश्यू नहीं है, मिडल चलेगा। इज अ वेरिएबल, हाँ आयुष, नंबर वन इज अ वेरिएबल। स्पेस नहीं दे सकते, स्पेस आप कहीं पे भी नहीं दे सकते, ऐसा भी स्पेस नहीं दे सकते, स्पेस नहीं दे सकते, सेम नेम के नहीं होना चाहिए, हाँ बहुत बढ़िया। अल्फाबेट एंड अंडरस्कोर एंड केस सेंसिटिव, गुड। और अंडरस्कोर हम यूज कर सकते हैं, चलो मैं एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट, सबसे पहले आप अल्फाबेट या फिर वर्ड्स यूज कर सकते हो, बट ये जो अल्फाबेट्स और वर्ड्स है अगर आप एक बार यूज कर दिए तो उसको फिर से यूज नहीं कर सकते हो, प्रिकॉशन। तो ये पहला हो गया, फर्स्ट, कि अल्फाबेट एंड वर्ड्स यूज कर सकते हैं। सेकेंड,
आप वर्ड्स यूज कर सकते हैं, बट ऐसे वर्ड जो पहले से डिफाइंड है, प्री डिफाइंड है, मतलब की वर्ड्स, उनको एज अ वेरिएबल नेम आप यूज नहीं कर सकते सर. मतलब इफ ये पहले से है, रिटर्न ये पहले से है, फ्लोट ये पहले से है, तो ऐसे करके जो 32 कीवर्ड्स है उनको एज अ वेरिएबल नेम आप नहीं ले सकते हो. नेक्स्ट, आप अगर आपके पास एक से ज्यादा वर्ड है, मतलब आप जो वेरिएबल का नाम बना रहे हो वो एक से ज्यादा वर्ड वाला, जैसे माय नंबर, जैसे मैंने बता दिया था माय नंबर है ना 1, तो इसके वक्त आप स्पेसेस इंक्लूड मत करो. हाँ, एक स्पेशल सिंबल है वो इंक्लूड कर सकते हो, मतलब यू कांट इंक्लूड स्पेसेस, बट आप अंडरस्कोर इंक्लूड कर सकते हो. अंडरस्कोर जो स्पेशल सिंबल है वो आगे पीछे कहीं पे भी कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट नंबर, नंबर का एक ही रूल है कि नंबर आगे नहीं चलेंगे, नंबर पीछे चलेंगे. सो ये चीज को आप याद रखोगे. समझा? देयर आर 7 मिनट्स लेफ्ट. यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, यू कैन आस्क मी. ये सिर्फ और सिर्फ मैंने वही चीज को सिर्फ रूल्स बताया. ये रूल सेम रहेंगे अगर आप मेथड बना रहे हो तो. अगर आप, या तुषार, डोंट डू इट यार, पता है आपको आता है, बट यार आई एम डिसेबलिंग एंड या 88. ओके, सो 7 मिनट लेफ्ट है स्टिल. 88 जिनका भी नाम है, जो भी ऐड हुआ है और जिसने भी ऐड किया है, वो तो पहले तो चेंज कर लो उनका नाम. अदरवाइज अगर मैंने लेफ्ट करवा दिया तो आप कभी भी फिर नहीं होगे ऐड. सो 88, यप. हाँ 88 बोल लो, रिनेम करो. शिवम सर, स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 ये है कि आप क्या बोलते हैं, ये नहीं यूज कर सकते हो, स्पेशल सिंबल्स यूज नहीं कर सकते हो, अंडरस्कोर आप यूज नहीं कर सकते. ओके, अगर आप, ऐसा कुछ नहीं है कि सर इंट मेन लिखा है वहां पे वर्ड मेन लिखा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है. वो इट्स अ मिथ, वो चीज मैं पढ़ाऊंगा. डे 3 जब आएगा ना, मतलब ये जो नोट्स का डे 3 जब स्टार्ट होगा, आपको पता ही चल जाएगा, खुद आपको समझ जाएगा कि इंट क्यू है, देन वर्ड भी लगा सकते हैं क्या, वो सारा समझ जाएगा. अब मेरे को पता है कॉलेज वाले ये चीजों पर फोकस नहीं करवाते, नहीं बताते, लिख दो वर्ड मेन लिख दो तो वर्ड मेन ही लिखते रहते स्टूडेंट, इंट मेन पढ़ा दिया तो बच्चे इंट मेन ही पढ़ते रहते. ऐसा नहीं है, उसका कुछ मीनिंग है, वो जो चीज है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी. या एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? हाँ, वो वैसे भी चलेगा, इंटरमेन रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं. सर ब्लॉक स्क्रीन क्या है? क्या ब्लैक स्क्रीन? Where is the black screen? Sir, name का size कितना होना चाहिए? Name का size का ऐसा कुछ नहीं है, आप बहुत बड़ा भी ले सकते हो. But literally, मतलब ये question ही थोड़ा सा कैसा sense, मतलब एकदम बहुत बढ़िया है. But देखो, जितना बड़ा आप use करोगे ना, उतना problem हो जाएगा. Black screen आ रहा है? सबको problem है? Black screen आ रहा है मेरा? स्क्रीन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? या वीबोर से ब्लैक स्क्रीन आ रहा है. सो सबको ब्लैक स्क्रीन आ रहा है? दिख रहा है? ओके, थैंक यू हिमांशु. ओके, थैंक यू, थैंक यू शफाली, थैंक यू तुषार. ब्लैक है? सम सेज ब्लैक है, सम सेज नहीं है. कोई इशू नहीं है, 4 मिनट है. हाँ, मे बी मेरा नेटवर्क इशू है, सो डोंट वरी. मेरा नेटवर्क इशू हो सकता है, डोंट वरी, रुक जाओ, सेकंड सेशन स्टार्ट होने वाला है 4 मिनट में. नया कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, सो डोंट वरी, डरो मत, ऐसा भी कुछ भी नहीं. ओके, या हाँ, कोई तो ऑन एंड ऑफ कर रहा है वीडियो, सो दैट्स व्हाई उसका दिख रहा है. मेरा स्क्रीन है, आप क्या करो, मेरे वाले स्क्रीन पे पिनअप करके रख दो, एस्ट्रिक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट वाला जो है उसके ऊपर पिन करो, बिकॉज बाकी लोग क्या कर रहे हैं, वो उनका वीडियो चालू होता है तो आपका डिस्ट्रैक्शन होता है, इसलिए तो मैं बंद करने लगाता हूँ. ओके, अगर किसी को क्वेश्चन है तो
ओके अदरवाइज मैं क्या करूँगा, बंद करके फिर से चालू कर दूंगा. सर वो डी एंड आई वाला डिफरेंस या डी एंड आई वाले डिफरेंस के लिए 2 दिन दिया हूँ मैंने, आपने स्टार्टिंग में ज्वाइन नहीं किया था शायद से. सो डी एंड आई वाले का डिफरेंस है. स्पॉटलाइट कर दूं आपके वीडियो को. स्पॉटलाइट किस तरीके से होता है वो चीज़ मेरे को नहीं पता यार, सॉरी फॉर दैट. मेरे को बता दो भले माई अंडर स्कोर नंबर इक्वल्स टू 10 क्यों लिया है, वो तो बस हम पढ़ने के लिए, आप कुछ भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है. माई अंडर स्कोर ये हम नम करके हम ट्राई कर रहे थे कि इस तरीके का भी कर सकते हो. और देखो मैंने क्रिएट किया है और मैं यहाँ पे कंपाइल एंड रन करता हूँ, यू गेट द आंसर 10 मिलेगा. हमने वेरिएबल का नाम रखे, उससे कोई इशू नहीं है, आप कुछ भी रख सकते हो. बस मैं पढ़ाने के लिए वो चीज़ पढ़ा रहा था, नो इशू. ओके एनीवन हैव एनी क्वेश्चन, अदरवाइज मैं बंद कर देता हूँ, 2 मिनट का वेस्ट करने से अच्छा फिर से चालू कर देता है. सर आप क्रॉप किए हैं ना मैसेज बॉक्स, नहीं तो यस सर वही ब्लैक आ रहा बस. ओके ठीक है हम रीस्टार्ट करते हैं. ओके थैंक यू सो मच एंड सेकंड सेशन में ज्वाइन करो सब से. अभी हम पढ़ेंगे यूजर से वैल्यू लेना एंड और सारी चीज़ें, डेटा मेंबर्स वगैरह हम अभी स्टार्ट करेंगे. ठीक है ऑपरेटर स्टार्ट करेंगे, बहुत मज़ा आएगा नेक्स्ट वाले सेशन में बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन आंसरिंग होगा. सो ज्वाइन फास्ट.